नमस्कार साथियों, साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। डीएसएसबी का एनुअल कैलेंडर अगर आपके सामने आ जाए कि आपकी वैकेंसी कब कब आएंगी और कब आपका एग्जाम होगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो जाएगी। एसएससी लगातार और इसके साथ ही यूपीएससी भी अपना एनुअल कैलेंडर देती है, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को उसी अंजाम तक ले जाए। तो साथियों, यहाँ पर डीएसएसबी ने अपने पूरे साल का कैलेंडर जारी किया है, अतः पूरी वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप दिल्ली में किसी भी पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हो। जी हाँ, जो भी पोस्ट हैं वो आपको पूरी डिटेल के साथ बताई जाएंगी और आपको उनकी टेंटेटिव एग्जाम डेट भी बताई जाएगी। तो साथियों बने रहे चैनल के साथ, आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबरें यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो आज आते हैं आज के इस लेटेस्ट सर्कुलर पर, जो कि है 28/12/2021 और ये इसका नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम हेडिंग देखें तो टेंटेटिव कैलेंडर फॉर डीएसएसबी एग्जाम ड्यूरिंग ईयर 2022, तो ये कंबाइंड एग्जाम्स हैं। यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्स को कंबाइन किया गया है, क्योंकि विभिन्न एक पोस्ट होती है और वो कई डिपार्टमेंट में जाती है, तो उनके कंबाइंड एग्जाम यहाँ पर किए जाएंगे। तो टाइमलाइन भी दी गई है, जो कि टाइम फ्रेम है वहाँ पर आपके कब एक्शन होंगे, कब एग्जाम होंगे और क्या एक्शन होगा, तो पूरा का पूरा देखें। कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको समय समय पर उससे संबंधित भी जानकारियां दी जाती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जेईई सिविल है, ये डीएएमबी, डीजेबी, डीटीएल, डीएसआईडीसी, डीयूएसआईबी, ये जो हैं एरियाज, यहां के लिए ये इसके डिपार्टमेंट है। अब एक्शन देखिए, इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसीज फॉर कंबाइंड एग्जाम, देखिए यहाँ पर, और फिर कंडक्ट ऑफ टीयर वन एग्जाम, ये देखो ये इसकी डेट है और ये इसकी डेट है, मतलब एडवर्टाइजमेंट कब आ जाएगा आपका, पहले जो वीक है हमारा वहाँ तक आ जाएगा आपका, 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आ जाएगा, और उसके बाद में कंडक्ट होगा ये मार्च में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको पहले ही तैयारी का आपको मौका मिल जाएगा। आप जे इलेक्ट्रिकल जो है वो देख लीजिए, ये भी सेम डेट में है और लगभग मार्च में इसका एग्जाम हो जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे 1 जनवरी से। अब ए सिविल, एसडीएमसी, एनडीएमसी वगैरह में ये हैं, और ये भी हमारा 1 जनवरी से होंगे और 1-3 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 1 जनवरी को काफ़ी पोस्ट निकलने वाली हैं, ए इलेक्ट्रिकल्स और लीगल असिस्टेंट। अब यहाँ पर जो लीगल असिस्टेंट है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, ये इन डिपार्टमेंट में आएंगे। इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी यही है हमारी, और 1 से लेके 31 मार्च के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे आते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, जो कि है हमारे पीजीटी, जो कि लेक्चरर के लिए है पोस्ट है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारी पोस्ट हैं जिनके लिए एग्ज़ाम होगा और ये डीओई या एनडीएमसी में होंगी। अब एडवर्टाइजमेंट आएगा फरवरी में, तो फरवरी में इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, 1 से 5 के बीच में आ सकता है, और जो एग्ज़ाम होगा टीयर वन का वो होगा हमारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक। तो अप्रैल का जो महीना है उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो जितने भी पीजीटी के हैं तो वो तैयारी कर लें अपने, उनके पास अभी 4 महीने का समय है, तैयारी की जा सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं एएनएम, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, ये जो हैं यहाँ पर एनडीएमसी, ईडीएमसी में, डीजीबी आदि में आएंगे, तो ये भी फरवरी में ही आएंगे, फरवरी, और ये भी एग्ज़ाम होगा इसका मई में। तो क्योंकि समय के स्लॉट कम होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसा स्लॉट होगा उसी के अनुसार आपको होगा। तो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ये एग्ज़ाम, ये इसके जो डिपार्टमेंट है, और 1 मार्च
मार्च के महीने में इनका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और मई में एग्जाम हो जाएगा। लैब टेक्नीशियन का NDMC, DH एंड FW ये भी आपका मार्च में आएगा और कंडक्ट होगा, मई में एग्जाम होगा। लैब टेक्नीशियन क्लास 10, DSW, DAM ये आप देख लीजिए, ये भी लगभग सेम है, मार्च में एडवर्टाइजमेंट आएगा और मई में ये एग्जाम होगा। फार्मासिस्ट का, फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट ये भी मार्च में आएगा और मई में एग्जाम इसका हो सकता है। इसी तरह से फार्मासिस्ट का, LDC का, स्टेनो का, देखिए LDC, स्टेनो, ग्राफर, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, स्टेनोटाइपिस्ट, LDC, स्टेनो ग्रेड 2, जूनियर स्टेनो इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, तो इनके यूजर ये सारे लगभग जो दिल्ली के मेन डिपार्टमेंट हैं वो सारे होंगे और इनके भी एग्ज़ाम आप देखिए कि मई के महीने में होंगे और सारे के सारे ये मार्च में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो एक बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट वो मार्च में आएगा जो कि LDC संबंधित होगा, दूसरा टीचर से संबंधित हमारा जो बड़ा एडवर्टाइजमेंट आएगा वो फरवरी में आएगा, और अगर JEE की बात करें तो वो जनवरी में ही आ जाएगा। अब अगले में है यहाँ पे LDC, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट फील्ड क्लर्क, ये हमारे इन ऑफिसेज में होंगे और ये भी हमारा आएगा मार्च में। ड्राइवर के लिए देख लेते हैं, यार ड्राइवर के लिए जो अलग हो गया चेंज, ड्राइवर में LMB, ड्राइवर मेल, ड्राइवर मेल HMB, ड्राइवर मेल LMB, तो NCC, कॉलेज ऑफ आर्ट, ये सारे लॉ डिपार्टमेंट ये आपके आएंगे। तो यहाँ पर ये अप्रैल में होगा इसका, अप्रैल में, और यहाँ पे जून में खिसक गया आपका एग्जाम। अब ड्राइवर के लगभग इसी पैटर्न में चलेंगे, ड्राइवर 10+2, DSI, DC, प्रीजेंस, तो ये अप्रैल में आएंगे और जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन ग्रेड 1, 2, 3, ये DJB, NDMC, HDMC, NDMC, EDMC, तो ये भी अप्रैल में आएंगे और जून में इनका एग्जाम हो जाएगा। स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, यहाँ पर होम गार्ड के अंदर आएंगे, तो ये भी अप्रैल में होगा और जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्राइंग टीचर के लिए आप देख लीजिए, DOE और DSW, ये दो डिपार्टमेंट, अभी तक तो DOE में ड्राइंग टीचर के आते थे लेकिन अब की बार DSW में भी आएगा, सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में, तो ये हमारा मई में एग्जाम एडवर्टाइजमेंट होगा और जुलाई में ये कंडक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो PGT के लिए है वो सारे TGT, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सारे NDMC DOE में आएंगे, तो ये भी मई में और जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, जुलाई में एग्जाम। वेलफेयर ऑफिसर्स ये हम आपके जून में आएंगे एडवर्टाइजमेंट और अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा। काउंसलर के WCD, प्रीजन 1, 6 और 8 में इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो काउंसलर की पोस्ट भी है यहाँ पर, यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट DOE के अंदर नहीं है जो टीचर्स की है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर ये भी जून में एग्ज़ाम जो एडवर्टाइजमेंट आएगा और अगस्त में इसका डेट आ जाएगी। हेड क्लर्क असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 10-2, ये जो पोस्ट है इसकी काफ़ी बेसब्री से इंतजार होता, तो सर्विस डिपार्टमेंट में ये आएंगी, तो ये भी जून में इसका आएगा, जून और अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसका काफ़ी लोग इंतजार करते हैं, DOE, NDMC, HDMC, NDMC, EDMC, तो यहाँ पर देखिए जुलाई से इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा और अक्टूबर में इसका आ जाएगा। तो कुछ सेपरेट एग्ज़ाम है जैसे वार्डन है प्रिजन में, ये अगस्त में और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम, मेट्रोन, फायर ऑपरेटर, JEE एनवायरमेंट, तो इस तरह से ये डेप्यूटी सेक्रेटरी ने ये आज 28 तारीख को ये पूरा शेड्यूल दे दिया है।
और इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिस हिसाब से DSSB का ये कदम काफ़ी काबिल तारीफ है और आप किस तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। DSSB के इस कदम की तरफ भी आप ज़रूर बताइए कि ये कैसा कदम इनका आपको लगा, और आप अभी से तैयारी करने लग जाइए अपने, क्योंकि अब ये शेड्यूल आ गया है तो इसी शेड्यूल को आगे फॉलो किया जाएगा। चैनल पर नए होने के पर आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिल जाए और इन सभी पोस्ट के बारे में आपको पता चल जाए। आशा जी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।